session we learned about how Indian products were highly demanded by European countries, but the only sea route to land route to India, which was from Turkey, was blocked by Turkish Muslim. So they felt compelled to discover a new sea route to India, and Vasco da Gama was the first to discover new sea route to India. In this session we will learn about arrivals of Europeans to India. So let's begin. The Portuguese were the first to find out the new sea route to India to carry out trade. Okay, Vasco da Gama was the first to discover this new sea route to India. To control over several territories like Diu, Daman, Goa, Cochin, Malacca, etc. within a span of 100 years. तो 100 years के span में Portuguese ने क्या किया था? They got to control over several territories. ठीक है, बहुत सारी territories पे, several territories पे control कर लिया था, which includes Diu, Daman, गोवा, कोचीन, मलाका. मलाका इज अ सिटी इन मेघालय एंड कोचीन इज प्रेजेंटली नोन एज कोची विद इन अ स्पैन ऑफ 100 ईयर्स. लेटर अराइव्ड द डच फ्रॉम हॉलैंड एंड द दानिश फ्रॉम डेनमार्क. जैसे कि जो इंडिया में लोग रहते हैं उन्हें इंडियंस कहा जाता है. सिमिलरली पीपल फ्रॉम हॉलैंड आर कॉल्ड डच एंड द पीपल फ्रॉम डेनमार्क आर कॉल्ड दानिश. ठीक है, तो पोर्चुगीज के बाद कौन आया? डचेस आए एंड दानिश आए. इन 1600 AD क्वीन एलिजाबेथ गेव परमिशन टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू कैरी ट्रेड विद ईस्टर्न कंट्रीज. तो 1600 में क्या हुआ? क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दिया एशियन कंट्रीज के साथ, ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए. ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी एक स्ट्रक्चर उन लोगों ने बनाया था जो कि इंडिया के साथ ट्रेड करता. ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं करना था. दिस वॉज द होल हु वॉज टू कैरी ट्रेड विथ इंडिया. द फर्स्ट शिप अराइव इन सूरत अंडर द कैप्टनशिप ऑफ विलियम हॉकिंस. उनका फर्स्ट शिप इंडिया में आया जिसका कैप्टन था विलियम हॉकिंस. डोमिनेंस एंड ऑपोजिशन फ्रॉम पोर्चुगीज. मुगल एम्परर सपोर्टेड ईस्ट इंडिया कंपनी एंड दे एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट ट्रेड सेंटर कोठी इन सूरत. तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आया ट्रेडिंग के लिए, तो उससे पहले पोर्चुगीज आ ही चुके थे. ठीक है, तो उन लोगों ने बहुत ही डोमिनेट किया और अपोज किया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि हम उनको यहाँ ट्रेड नहीं कर देंगे, उनको ट्रेड नहीं करने देंगे या उनको सेटल नहीं होने देंगे. ठीक है, उनका ऐसा एटीट्यूड था टुवर्ड्स ईस्ट इंडिया कंपनी. दैट टाइम मुगल एम्परर जहांगीर, ठीक है, जो वहाँ का दैट टाइम एम्परर था, मुगल एम्परर जहांगीर, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट किया और उनका फर्स्ट ट्रेड सेंटर सूरत में बनाया. दे सेंस्ड डेंजर फ्रॉम मराठास, मूव्ड टूवर्ड्स साउथ एंड ईस्ट वेयर दे सेटअप सेंटर्स इन मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, सेंट जॉर्ज चेन्नई, फोर्ट विलियम्स कोलकाता. उन्होंने अपना फर्स्ट ट्रेड सेंटर सूरत में बनाया. दैट टाइम क्या था कि गुजरात और महाराष्ट्र से सेपरेट नहीं थे, दे वेयर जॉइंट. ठीक है, एक ही स्टेट था. तो दैट टाइम क्या होता था, दैट टाइम क्या हुआ कि जो मराठास थे उन्होंने बहुत अपोज किया. ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा लगा, दे सेंस डेंजर फ्रॉम मराठास. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, दे मूव्ड टूवर्ड्स साउथ एंड ईस्ट. वो साउथ की साइड और ईस्ट की साइड चले गए. वहाँ पे उन्होंने अपने ट्रेड सेंटर्स बनाए मछलीपट्टनम में, विच इज़ इन आंध्र प्रदेश, सेंट जॉर्ज इन चेन्नई एंड फोर्ट विलियम्स इन कोलकाता. मुंबई बिकेम देयर हेड क्वार्टर इन 1687 AD. और मुंबई उनका हेड क्वार्टर बन गया इन 1687 AD. देन अराइव्ड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1668. ट्रेड सेंटर्स इन माहे, कराईकल, पौंडीचेरी, चंद्रनगर, मछलीपट्टनम एक्सेट्रा. फिर ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हुई इन 1664. ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टैब्लिश किया गया 1664 में और वो लोग इंडिया आए इन 1668. ठीक है, उन्होंने अपने ट्रेड सेंटर्स कहाँ कहाँ बनाए, इन माहे, कराईकल, पौंडीचेरी, चंद्रनगर, मछलीपट्टनम एक्सेट्रा. इन 1746 एंड 1763 देयर वर थ्री कर्नाटका वॉर बिटवीन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट. मीनवाइल डच हैड टू लीव फॉर एवर. अब जैसे कि हमने देखा, पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया, उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आया, लेकिन उन दोनों के बीच कुछ सेटलमेंट हुआ नहीं. ठीक है, उन दोनों के बीच बनी नहीं, तो क्या हुआ, वॉर हुआ, डिक्लेयर हुआ वॉर कर्नाटका में, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था, हार गया.
ठीक है, एंड मीन वाइल डच हैड टू लीव फॉर एवर, और डचेस को हमेशा के लिए जाना पड़ा। अब वॉर के बारे में हमें दिया है बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी के बारे में डिस्कस करेंगे, वो कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। इट टुक प्लेस बिटवीन सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था वो किसके बीच में हुआ था, द नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों के बीच में हुआ था। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बिल्ट अ फोर्ट्रेस अराउंड द ट्रेड सेंटर इन कोलकाता ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी रीजन विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ नवाब। दिस फोर्ट्रेस वेयर डिस्ट्रॉयड बाई नवाब। अ स्मॉल आर्मी लेड बाई रॉबर्ट क्लाइव रीच बंगाल टू प्रोटेक्ट कोलकाता ट्रेड सेंटर। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, फोर्ट्रेस बनाए थे यानी कि कैसल्स, उनका जो कोलकाता में ट्रेड सेंटर था उसके पास में फोर्ट्रेस बनाए थे। फोर्ट्रेस बनाए जाते हैं ताकि ट्रेड सेंटर को एक सिक्योरिटी मिले, अगर अटैक होता है तो वो इतनी जल्दी हारते नहीं अगर ऐसा फोर्ट्रेस बनाया हुआ होता है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ऐसा फोर्ट्रेस बनाया हुआ था लेकिन उससे पहले उन लोगों ने नवाब ऑफ बंगाल की परमिशन नहीं ली थी। तो जैसे ही नवाब को पता चला उसने क्या किया, वो फोर्ट्रेस को डिस्ट्रॉय करवा दिया यानी कि तोड़वा दिया। फिर क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव एक छोटी सी सेना की टुकड़ी लेके कोलकाता पहुँच गए अपने ट्रेड सेंटर को बचाने के लिए। The British realized that it was not easy to defeat Nawab, therefore a conspiracy was planned. Nawab's commander-in-chief Mir Zafar and Seth Amichand were coaxed to work against Nawab. अब ब्रिटिशर्स को रियलाइज़ हुआ कि नवाब ऑफ बंगाल को हराना इतना इजी नहीं है, ठीक है। अब हराना इजी नहीं था तो एक ही ऑप्शन था, उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी प्लान की, एक साजिश प्लान की नवाब के अगेंस्ट कि उसको कैसे हराया जाए। तो उसने क्या किया, जो नवाब के कमांडर इन चीफ थे जो कि मीर जफ़र एंड सेठ अमीचंद, उनको बहला फुसला के अपनी साइड कर लिया, ठीक है। सेठ अमीचंद एंड मीर जफ़र को बहला फुसला के अपनी साइड कर लिया ताकि वो नवाब को हरा सके। द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड वॉर एट प्लासी ऑन द प्रीटेक्स्ट दैट द नवाब वॉज अननेसेसरीली हैरेसिंग द पीपल। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कॉन्स्पिरेसी प्लान की और नवाब के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। क्या बोल के कि वो अननेसेसरी जो लोग हैं उनको परेशान कर रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं, इस प्रीटेक्स्ट पे उन लोगों ने नवाब के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट ऑन 23 जून 1757 AD। और जो बैटल ऑफ प्लासी था वो कब हुआ था, 23 जून 1757 AD। द बैटल फील्ड ऑफ प्लासी सिचुएटेड 38 किलोमीटर्स फ्रॉम मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल। जो बैटल ऑफ प्लासी है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, 38 किलोमीटर्स फ्रॉम मुर्शिदाबाद इन वेस्ट बंगाल। अकॉर्डिंग टू द प्लान मीर जफर लॉस्ट द बैटल, सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड। अब उन्होंने जो कॉन्स्पिरेसी प्लान की थी उसके अकॉर्डिंग ही वो लोग ने अटैक कर दिया नवाब के ऊपर, ठीक है। और मीर जफर ने उन लोगों ने ऐसा प्लान किया था कि वो लोग नवाब के ऊपर अटैक करेंगे और मीर जफर को हारना पड़ेगा, ठीक है। नवाब को हराने के लिए उन लोगों ने ऐसा प्लान किया था। तो अकॉर्डिंग टू प्लान मीर जफर लॉस्ट द बैटल और सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड। The company got a freehold over 24 paragons. The foundation of the company's rule in India was laid with the Battle of Plassey in 1757. अब हराने के बाद कंपनी को फ्रीहोल्ड मिल गया था 24 paragons. Paragons को हम तालुका बोल सकते हैं, 24 तालुका के ऊपर उनको फ्रीहोल्ड मिल गया था। एंड द फाउंडेशन ऑफ द कंपनीज रूल इन इंडिया वॉज लेड विद द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। और जो ब्रिटिश रूल की इंडिया में शुरुआत हुई थी वो कहाँ से शुरुआत हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी से इन 1757। यहाँ से ही पाया खड़ा हो गया था, ब्रिटिशर्स को मौका मिल गया था इंडिया पे रूल करने का, ठीक है। तो दिस वॉज द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया विच वॉज फ्रॉम 1757।